साउंड के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने न्यूटन के फॉर्मूला को करेक्ट करके लैपलेस करेक्शन में किया था, कि लैपलेस ने किस तरीके स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट किया और किस तरह से न्यूटन के 60% एरर को रिड्यूस किया था। इसका एक मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की जा सकती है। आज हम लैपलेस करेक्शन को एक और वे में करना सीखते हैं कि इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से किस तरीके से समझा जा सकता है। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है ये समझने के लिए कि लैपलेस ने किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट किया था और किस तरह से एरर कम किया था। जो आज वाला मेथड है वो पहले वाले मेथड से बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आपको मालूम है कि लगती है कि ये मेरे पास एक बीकर है, ये एक बीकर है और ये एक बीकर है, ये हमारे पास दो बीकर है, यानी कंसिडर कर लिया जाए कि दो सिलेंडर्स हैं। इन सिलेंडर के अंदर लगती है कि ये हमारे पास गैस फिल्ड है, ये हमारे पास गैस फिल्ड है, और ये भी सपोज कर लिया जाए कि ये जो गैस है ये आइडियल गैस है। अगर इसे हम आइडियल गैस कंसिडर कर लेते हैं, लगती है कि पहले ये अगर सिचुएशन देखते हैं कि ये एक आइडियल गैस है, ठीक है, और इसका तकरीबन जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। इसका वॉल्यूम 1 dm³ है। जब इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन, इस तरीके से मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर, जब इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर कांस्टेंट जो है कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं प्रेशर अप्लाई किया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था तो इसका वॉल्यूम जो है 1 dm³ है। लेट्स से कि अब मैंने इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया है वो प्रेशर तकरीबन 2 dm³ है, और 2 dm³ प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब मैंने इसके मूवेबल पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया तो ये वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो आइडियल गैस है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाती है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और इस सिचुएशन में इसका जो वॉल्यूम है वो पहले वाले वॉल्यूम से 1/2 dm³ रह जाता है, यानी कि वॉल्यूम हाफ हो जाता है जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ। और अभी भी हम लोगों ने एक पैरामीटर कांस्टेंट रखा है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। ये बॉयल्स का लॉ था, और बॉयल्स ने इसी तरह से काम करते हुए जो है ये साबित किया कि इसका मतलब है कि जो हमारा प्रेशर है वो इनवर्सली रिलेटेड है हमारे वॉल्यूम के साथ। अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि पी वी कॉन्स्टेंट है, पी वी कॉन्स्टेंट के इक्वल है, जिसे हम यू भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू पी यानी कि पी आफ्टर, और इसे भी वॉल्यूम आफ्टर कह लिया जाए, और इसे पी नोट और वी नोट कह लिया जाए, तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाता है। इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी उसके अंदर 60% का एरर आया। लेकिन लैपलेस ने अपने जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था और एयर के साथ, न्यूटन ने भी क्योंकि एयर को ही एयर एयर में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की थी, लेकिन उसने जो काम किया उसने बिल्कुल बॉयल्स के काम को मद्देनजर रखते हुए किया। उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे एयर का जो टेम्परेचर है, एयर के अंदर मौजूद गैसेस का, उसे कॉन्स्टेंट मानना चाहिए। लेकिन लैपलेस ने यह बात कही कि टेम्परेचर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता एयर और गैसेस का। अगर हम लोग उसे यानी कि अगर एयर में हम लोग स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता, क्योंकि जिस सिचुएशन में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए वो जो है आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और हम अगर स्पीड ऑफ साउंड एयर में फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि एयर के अंदर जो है हीट कांस्टेंट हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। जब इस वे को इस्तेमाल करते हुए लैपलेस ने अपना काम किया तो लैपलेस ने प्रूव किया कि उसके मुताबिक जो है जो पी वी जो न्यूटन ने लिया था अपने लॉ में, मतलब न्यूटन ने अपने फॉर्मूला के दौरान जो पी वी लिया वो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के लिया, जैसे कि बॉयल्स ने लिया। लेकिन जो लैपलेस है, लैपलेस ने कहा चूंकि मैं नहीं मानता कि एयर में टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, उसने कहा कि हीट को कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए, तो उसने कहा कि पी वी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, पी वी गैमा कॉन्स्टेंट के इक्वल हो सकता है। और आपको मालूम है कि जो गैमा है वो एक कॉन्स्टेंट रेशियो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अभी जो स्पेसिफिक हीट है इसका मतलब ये होता है
कि अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, लेट्स से कि यहाँ पर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है जिसका एक मोल है आपके पास, लेट्स से कि कोई गैस ही है आपके पास, यहाँ पर कोई एक गैस जो है वो फिल्ड है, ठीक है, उसका 1 मोल है आपके पास। अब इस 1 मोल गैस को अगर आप इतनी हीट दें कि इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक राइज कर जाए, तो जो हीट आप इसको दे रहे हैं जिससे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक जा रहा है, वो हीट आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि सी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दी जाने वाली हीट यानी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है राइजिंग टेम्परेचर टी के, और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल्स टू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट सी है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारी मोलर जो है स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर हम किसी चीज़ की मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हुए वक्त उस चीज़ का प्रेशर जो है कांस्टेंट कर दें तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे, और अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। गैमा की वैल्यूज डिफरेंट होती है, जैसे कि अगर कोई आपके पास मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक के लिए आई थिंक सो ये 1.67 होती है, और डायाटॉमिक के लिए 1.4, ये डायाटॉमिक के लिए होती है। सिमिलरली ट्रायाटॉमिक के लिए भी होती है। तो ये जो गैमा है, लैपलेस ने अपने फॉर्मूला में इस गैमा को इस्तेमाल किया जो कि एक रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। अब अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि सॉरी यहाँ पर मुझे वी लिखना चाहिए था, पी वी गैमा इज इक्वल्स टू पी नॉट वी नॉट गैमा, क्योंकि हम लैपलेस के फॉर्मूला को तो करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी करेक्शन को हम लोग बता रहे हैं कि इसने किस तरह से फॉर्मूला करेक्ट किया और किस तरह से काम किया, लेकिन हम लोगों ने हम चूंकि एयर के साथ तो काम नहीं कर रहे ना, हम उस चीज़ को एक आइडियल गैस कंसिडर करके लैपलेस का वो वाला काम जो है वो समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसने उस दौर में उस वक्त में ये काम किया था। तो हमने अपने इस कैलकुलेशन के दौरान ये अज्यूम कर लिया कि जो गैस जिस गैस के साथ हम काम कर रहे हैं वो आइडियल गैस है। अगर अब मैं ये कहूँ कि आइडियल गैस या कोई भी गैस हो आपके पास, हद तक कि कोई भी गैस हो, डायाटोमिक है, मोनाटोमिक है, ट्रायाटोमिक है, कोई भी गैस है आपके पास, जब भी आप उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कभी भी उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, या ये नहीं होता कि वॉल्यूम कम हो गया पहले की नस्बत, बस ये होता है कि अगर इसका वॉल्यूम पहले यहाँ पर था और प्रेशर अप्लाई करने से अगर यहाँ पर हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पहले मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहे थे रैंडमली, उनकी मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई थी, जैसे ही आपने प्रेशर लगा दिया तो अब उनकी मूवमेंट के लिए कम स्पेस ऑक्यूपाई है, अब वो आपस में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाते हैं, वो आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं और जो वॉल्यूम है कंप्रेस हो जाता है। गैसेस में कभी भी वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, हमेशा कंप्रेस या एक्सपेंड होता है, हमेशा कंप्रेशन या एक्सपेंशन होती है, ये नहीं होता कि वॉल्यूम अगर पहले इतना था तो इतना रह गया। मतलब इसका सिंपली ये होता है कि पहले मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह होती है उनके पास, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपस में जुड़ से जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब वॉल्यूम जो है कंप्रेस है, जबकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बस कंप्रेस होता है या एक्सप्रेस होता है या एक्सपेंड होता है। अगर अब मैं इस सिचुएशन में ये कहूँ कि अगर इस सिचुएशन को ही मद्देनजर रखते हुए इस पॉइंट को ही अगर आप गौर से समझ लें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका ये वाला वॉल्यूम यानी कि वी वॉल्यूम गैमा और वी नॉट वॉल्यूम जो है ये दोनों ही आपस में इक्वल है, क्योंकि गैसेस के वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आता, सिर्फ वो कंप्रेस होते हैं या वो एक्सपेंड होते हैं, उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। अगर अब मैं सिर्फ प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकालूँ प्रेशर के लिए, तो प्रेशर जो है वो इस तरह से आ जाएगा कि पी नॉट वी नॉट गैमा, और ये वाला वी नॉट गैमा जो है यहाँ पर आके माइनस साइन में हो जाएगा। अगर अब मैं ये बात कहूँ कि मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी कि वॉल्यूम के लिहाज से मैं पूरी की पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रही हूँ यानी कि डी डिवाइडेड बाई डी वी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा,
जब मैं इस चीज का डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास डीपी ओवर डीवी आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि ये चीज कांस्टेंट, ये चीज इस चीज का जो है पावर माइनस गैमा वो पहले आएगा, देन मेरे पास वी आ जाएगा वी। और आपको मालूम है कि जिसकी पावर आप बाहर लाए हैं उसी उसी वेरिएबल जिसके ऊपर पावर थी उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, उसके बाद आगे वाला एक्सप्रेशन वैसे ही लिखा जाता है, वी नॉट गैमा और वी एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि माइनस गैमा इस तरफ रहेगा, और हमने चूंकि बात की है कि हमारा वी और वी नॉट चूंकि इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये माइनस गैमा -1 और ये गैमा है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि माइनस गैमा यहाँ पर डी पी ओवर डी वी, माइनस गैमा फिर पी वी माइनस गैमा प्लस गैमा -1। तो मैं इसकी पावर को इकट्ठा करके वी नोट के ऊपर लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने कहा है कि वी नोट बराबर है वी के। तो इस तरीके से मेरे पास जो है अब ये सिचुएशन होगी कि माइनस गैमा प्लस गैमा से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस गैमा पी वी नोट -1 और यहाँ पर डी वी ओवर डी डी पी ओवर जो है डी वी आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस गैमा पी, और ये अगर वी नॉट -1 है तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ वी नॉट, क्योंकि ऊपर -1 है नीचे जाके पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, यहाँ पर डी पी ओवर डी वी। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ पर ये वी नॉट डी पी ओवर डी वी आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस गैमा इंटू वी। इस चीज़ को अगर मैं डेल्टा की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे वी नॉट डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी भी लिख सकती हूँ, और माइनस गैमा इंटू वी, माइनस गैमा इंटू पी। अब अगर इस पूरी सिचुएशन को मैं इस तरीके से लिखूँ, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन निकाला जा रहा है ना, तो मैं इसको यूँ कह सकती हूँ कि जो सारे का सारा एक्सप्रेशन है इसे वी और यहाँ पे डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी होल के नीचे यहाँ पर नोड लगा दूँ, मीन्स ये कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक आइडियल गैस के लिए काम किया जा रहा है, माइनस गैमा इंटू पी। तो अब आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में बात की थी न्यूटन के फॉर्मूला से पहले कि मीन्स कि न्यूटन के फॉर्मूला में भी, और उससे पहले भी ये बात हुई थी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमेशा जो है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी के इक्वल होती है, इसी फॉर्मूले को न्यूटन ने भी अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल किया था। न्यूटन ने इसी चीज़ को जो है इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी, स्पीड ऑफ साउंड इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट की थी, यानी कि हमें भी बल्क मॉडुलस मालूम करना पड़ेगा लैपलेस की स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए। जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो हमेशा माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी ओवर वी होता है। अब अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये वाली चीज़ जो है सारी की सारी हमारे पास बल्क मॉडुलस है, तो यहाँ पर भी तो वही वाला एक्सप्रेशन आ रहा है ना हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इस माइनस वाले को, माइनस साइन को थोड़ी इग्नोर करके इस और इस चीज़ को बराबर इस तरह से कह दूँ कि आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वी ऊपर है, अगर मैं यहाँ से भी वी को ऊपर ले जाऊँ तो वी डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी। अब ये वाली चीज़ है इसके साथ माइनस है, अगर मैं ये वाला माइनस मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, तो इस पूरी की पूरी चीज़ की जगह मैं माइनस यहाँ पर बल्क मॉडुलस लिख सकती हूँ इजीली, कि यहाँ पर माइनस बल्क मॉडुलस बराबर आ जाएगा हमारे पास गैमा इंटू माइनस माइनस गैमा इंटू पी के। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यहाँ पर बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू गैमा और पी। और आपको मालूम है कि हमने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है अपनी पिछली वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करते हुए, हमें वहाँ बताया था कि डेंसिटी वी स्केयर इंटू वी स्केयर बराबर है बल्क मॉडुलस के, और वी कैलकुलेट करने के लिए हमने बल्क मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी किया था। अगर मैं इस सिचुएशन में लैपलेस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए लैपलेस करेक्शन के मुताबिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू गैमा पी लगा लूँ और डेंसिटी एज इट इज ही रहे, तो यहाँ पर मेरे पास अब जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला बनेगा वो वी इज इक्वल टू गैमा प्रेशर पी डिवाइडेड बाई डेंसिटी आ जाएगा। सो एक तो मेथड ये है कि अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है इन गैसेज या एयर, तो आपके पास गैमा की वैल्यू आपको मालूम होगी, जो लग से कि अगर डायटोम में गैसेज हैं तो 1.4 होगी, प्रेशर जिस प्रेशर के दौरान आप ये मालूम कर रहे हैं, और डेंसिटी उस मीडियम की, तो
इस सिचुएशन से भी करते हुए आप जो है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा एडवांस में ये इस्तेमाल करूँ, अब अगर मैं यहाँ इस तरह से करूँ कि मुझे मालूम है कि जो पी है, जो कि हमने सारा का सारा काम आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, आइडियल गैस को ही हम लोगों ने अपने इस कैलकुलेशन के दौरान इस्तेमाल किया है, तो हमें मालूम है कि आइडियल गैस के लिए केमिस्ट्री में हमें बताया गया थर्ड चैप्टर के अंदर कि जो पी वी है वो एन आर टी के इक्वल है, और जो एन है इसका मतलब होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आर इंटू टी। और अगर मैं वॉल्यूम को पी वी अगर मैं इस तरह से करूँ कि मास को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ और वॉल्यूम को यहाँ पर, तो प्रेशर जो है वो बराबर आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आर इंटू टी। और ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है यानी मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ हम जानते हैं कि ये वाली चीज़ हमारे पास डेंसिटी के इक्वल होती है। तो यहाँ आर टी बराबर है पी, पी के लिए जो है वो डेंसिटी आर टी आ जाती है, और एम जो है यहाँ पर था वो एम इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एम को अब मैं यहाँ पर नीचे अगर ले आऊँ तो एम यहाँ पर आ जाएगा, और सिंपली प्रेशर की वैल्यू मेरे पास ये वाली आ जाएगी। अगर मैं इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर लगाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर गैमा, और पी की जगह मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर पी के लिए मुझे यहाँ पर डेंसिटी आर टी बाय एम लगाना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, क्योंकि ये वाली डेंसिटी भी एक आइडियल गैस की है और ये वाली डेंसिटी भी आइडियल गैस की, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकती है, और यहाँ पर गैमा आर टी बाय एम मेरे पास आ सकता है। तो स्पीड ऑफ साउंड में इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, और इस तरह से भी लैपलेस ने कैलकुलेट की थी, तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नेचुरल स्पीड ऑफ साउंड के बहुत ज़्यादा करीब थी। इस एक्सप्रेशन में आर एम यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेड गैस, टेम्परेचर उसका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आर, और गैमा की वैल्यू पुट करके आप जो है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 333 मीटर पर सेकेंड आएगी, जो कि 332 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा इक्वल है। तो इस तरीके से जो है लैपलेस ने अपना काम किया और प्रूव किया कि हम जो है एडियाबेटिकली ये साबित कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना पड़ता है वो एडियाबेटिक होना चाहिए, ना कि आइसोथर्मली। तो इस तरीके को ये बल्कि ज़्यादा सिंपल वे है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का। तो होप सो आपको लैपलेस प्रोडक्शन का ये दूसरा मेथड भी इजीली समझ आ चुका होगा।